आप लोग किस तरह के प्रेशर से गुजर रहे होते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, सब चीज ख्याल रखना है? प्रधानमंत्री इनफैक्ट खुद बोलते हैं कि इसमें मैंने ही हैज एंश्योर कि इसमें राजनीति नहीं है, इसमें कोई पार्टिजान इश्यूज ना है, इसको बिल्कुल उससे अलग रखा है। कहीं चाय पी रहे थे और वहां पर उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज सुना जी कि देश ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, तब उन्हें लगा कि रेडियो का क्या पावर है कि कोने के कोने जगह तक कम्युनिकेशन पहुंच सके। प्रधानमंत्री के जो ऑडियो है, जो क्योंकि वो तो एक्सटेम्पोर बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसको सुन के फिर उसको ट्रांसक्राइब करके फिर इतने सारे भाषाओं में इसको ट्रांसलेट बिल्कुल, फिर उसके लिए ग्राफिक्स बनाना, ओवरले करना, और ये पूरा काम अब 48 घंटे में खत्म करके फिर संडे को आप चलाओगे, ये बहुत एक चुनौतीपूर्ण। और क्या ओरिजिनल फीडबैक प्रधानमंत्री खुद भी एक्सेस करते हैं? तो आप लोगों के सामने वो डिमांड रख देते होंगे कि ये दिखाइए या जो फीडबैक्स हैं वो कैसे फीडबैक्स हैं ये बताइए? इस तरह का इनोवेशन को अगर जब प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने मणिपुर के किसी गांव से लेकर कहानी रखते हैं तो इसका बिल्कुल इम्पैक्ट रहता है, बाकी लोग भी इस पर इंस्पायर होते हैं। इनफैक्ट विजय शांति के साथ उन्होंने बात भी की 100th एपिसोड में। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वुमेन के जी, आदि को बढ़ावा देने की वजह से मन की बात में उनके जीवन पर क्या असर, किस तरह से देर लाइफ है स्टेज, उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो किस तरह से, तो इस तरह के भी एकेडमिक स्टडीज है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं ऋषिराज और आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान प्रसार भारती के एक सीईओ शशि शेखर जी हैं हमारे साथ। उन्होंने एक बेहद शानदार किताब लिखी है प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात की, किताब का नाम है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन। इस किताब में वो कहानियां हैं जिन्होंने मन की बात को प्रभावित किया और मन की बात से जो है लोग कितने प्रभावित हुए और ग्राउंड जीरो पर क्या इम्पैक्ट होता है, तो उसका एक बेहद विस्तार से स्टडी है। और इस किताब को लिखने के पीछे का उद्देश्य क्या रहा है, मकसद क्या रहा है, मन की बात हाल ही में 100 एपिसोड पूरे हुए उसके और पूरे देश दुनिया में इस बात की चर्चा हुई, हमने देखा कि किस तरीके से बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी मन की बात का लुत्फ उठाते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री भी लगातार इस बात को कहते आए हैं कि मन की बात से किस तरीके से देश को फायदा हुआ है और उनको भी लगातार किस तरह का असेसमेंट प्राप्त होता रहता है, उसमें ये एक बड़ा बेंचमार्क है। मन की बात के जरिए ही कितने क्रांतिकारी कैंपेन शुरू हुए इस देश में। शशि जी, सबसे पहले तो बधाई आपको इस किताब के लिए, चर्चा भी खूब है इस किताब की, क्या सोचकर लिखना शुरू किया आपने इस किताब को? देखिए, मन की बात जो पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री हर महीने रेडियो पे आके देश को संबोधित करते हैं, तो इसके जब 100वें एपिसोड का माइलस्टोन आ रहा था तो एक सोच ये था कि मन की बात का क्या असर रहा है देश में, खासकर जो जितने भी लोग हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने मन की बात में उनकी चर्चा की जी, उनके काम पर प्रकाश डाला और जिस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, वो किस तरह का काम कर रहे हैं, तो मन की बात पे फीचर होने के बाद उनके जिंदगी में क्या फ़र्क आया, उनके काम पर क्या असर पड़ा और इससे बाकी लोग, बाकी समाज किस तरह से प्रभावित हुआ, तो इन सब चीज़ों को लेकर एक प्रोजेक्ट की तरह हमने शुरू किया था जी। पहले भी किताबें छप चुकी हैं मन की बात पर, 50वें जब एपिसोड्स हुए थे और उससे पहले भी, पर उनका फोकस लार्जली मन की बात के कंटेंट पर था, इस वाले में कंटेंट के अलावा जो इम्पैक्ट रहा है, जो इन्फ्लुएंस रहा है उस पर भी फोकस। तो सर, इनसाइड स्टोरी भी दीजिए हमें थोड़ी मन की बात की। प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं और फिर मन की बात का कार्यक्रम शुरू होता है, लगातार उसे जारी रखने के पीछे का मोटिवेशन जो है, और एक लंबा कार्यकाल आपका रहा प्रसार भारती में, तो मुझे लगता है कि बहुत एक्टिव तरीके से चूंकि आप लोगों को वो हैंडल करना पड़ता हुआ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को, तो आप लोग किस तरह के प्रेशर से गुजर रहे होते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, सब चीज ख्याल रखना है, क्योंकि प्रधानमंत्री का इस बात पर लगातार जोर रहा है, वो बंद कमरों की मीटिंग में भी एक बात कहते हैं कि फीडबैक कम से कम मुझे ओरिजिनल आने दिया करो, ऐसा नहीं है कि वो जो बाबू लोग हैं वो उसको रोके, तो उन सब चीजों से कैसे आप लोग निकले? देखिए, इसमें एक थोड़ा रिवाइंड करते हैं जी, आप अगर मोदी जी का पूरा करियर कार्यकाल देखेंगे उसमें एक बहुत ही यूनिक डायमेंशन जो निकल कर आता है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपेरिमेंट करने में डरते नहीं, बिल्कुल राइट। सबसे पहले राजनीति में इन्होंने सोशल मीडिया को एम्ब्रेस किया था, ट्विटर हो, लाइव स्ट्रीमिंग हो यूट्यूब पे, गूगल हैंगआउट हो, इंटरएक्टिविटी,
और जब 2014 के चुनाव का कैंपेन चल रहा था तो तब हमने पहली बार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म खड़ा किया था इंडिया ट्रू सेनेटर, जिसका एक ही मकसद था कि हम लोगों को वॉलंटरी बेसिस पे हम एंगेज करें, फिर उनसे फीडबैक लें, उनसे इनपुट्स लें, राइट। वो जो इंडिया 272 था कैंपेन का प्लेटफॉर्म, वो फिर चुनाव के बाद जब सरकार बनी और मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो वो माई गव बन गया कि सिटीजन्स को हम किस तरह से एंगेज कर सकते हैं, किसी सिटीजन्स को हम किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं गवर्नेंस में, राइट। तो मन की बात को देखेंगे, इसका चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट कटिंग एज, इट इज चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी इज द ओल्डेस्ट मीडियम देयर, राइट, जो रेडियो है। और इसका सोच इसके पीछे ये है कि जो एंगेजमेंट है सिटीजन्स के साथ, इसका जो इम्पैक्ट है इट हैज़ टू बी द वाइडेस्ट, बहुत बिल्कुल देश के हर कोने तक पहुँचना चाहिए। इनफैक्ट मोदी जी इसके बारे में एक एपिसोड में बात भी करते हैं कि रेडियो का जो पावर है एज ए मीडियम, उनको तब लगा जब ये हिमाचल में जब ये भारतीय जनता पार्टी के सचिव थे जी, उस समय की बात है कि वो कहीं चाय पी रहे थे और वहाँ पर उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ सुना जी कि देश ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, तब उन्हें लगा कि रेडियो का क्या पावर है कि कोने के कोने जगह तक कम्युनिकेशन पहुंच सकती है। तो सो दैट इज़ अ थॉट प्रोसेस कि एक तरह से माईगव है जी, सोशल मीडिया है एंगेजमेंट के लिए और रेडियो है वाइडेस्ट रीच के लिए, तो ये सोचकर इसको उन्होंने फिर आगे बढ़ाया। और बिल्कुल चैलेंजिंग बात है कि हर महीने स्केड्यूल पे रहना और इसको सस्टेन करना, क्योंकि इस पर काफ़ी काम होता है। इनफैक्ट एक पूरा चैप्टर इसी पे है कि कितना एफर्ट लगता है, क्योंकि इनपुट्स कई सारे डायरेक्शन से आते हैं, लोग माई गव पे अपने इनपुट्स देते हैं जी, बिल्कुल, लोग सोशल मीडिया पे देते हैं, कुछ लोग चिट्ठियां लिखते हैं और एक IVR सिस्टम भी है जहाँ पे फोन करके आप सुझाव दे सकते हो। हाँ। तो इन सारे सुझावों को आकलन करके फिर इसका विश्लेषण करके फिर इसमें से आइडेंटिफाई करना कि किस तरह के टॉपिक्स लिए जाना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्टेक्चुअल भी होना चाहिए, रेलेवेंट भी होना चाहिए। और आप देखेंगे इसका फॉर्मेट जो है वो इवॉल्व होता रहा है जी, बिल्कुल, स्टैटिक नहीं रहा है। पहले एक मोनोलॉग की तरह था, फिर लोगों के साथ चर्चा भी इसमें शामिल हुई, बड़े बड़े हस्तियां भी इसमें शामिल हुए, जैसे प्रेसिडेंट ओबामा हो, लता जी हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जी, बिल्कुल। तो काफ़ी इसमें इनोवेशन आया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ये एक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस। और इसका सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन ये है कि इसको विजुअली अडेप्ट किया गया है, प्रॉब्ली द फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम जो विजुअल मीडियम के लिए भी अडेप्ट हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये टीवी पे भी जाता है, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी आता है। तो प्रधानमंत्री के जो ऑडियो है, जो क्योंकि वो तो एक्सटेम्पोर बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उसको सुन के फिर उसको ट्रांसक्राइब करके फिर इतने सारे भाषाओं में इसको ट्रांसलेट करके फिर उसके लिए ग्राफिक्स बनाना, ओवरले करना, और ये पूरा काम आप 48 घंटे में खत्म करके फिर संडे को आप चलाओगे, तो ये बहुत एक प्रोसेस बन गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब ये वो प्रक्रिया है जिसमें आप लगातार सीखते रहते हैं, इस बात का भी जिक्र, ये कैसे पूरा प्रोसेस होता है इसका भी जिक्र आपको किताब में पूरे डिटेल में मिलेगा। प्रधानमंत्री के साथ हमने देखा है कि ये बताइए कि मुद्दों का जो चुनाव होता है वो फीडबैक के बाद प्रधानमंत्री करते हैं या वो उसको सेट किया जाता है कि इस बार हम इस मुद्दे की तरफ बढ़ रहे हैं और इस मुद्दे से रिलेटेड कंटेंट जो आएंगे, और क्या ओरिजिनल फीडबैक प्रधानमंत्री खुद भी एक्सेस करते हैं, आप लोगों के सामने वो डिमांड रख देते होंगे कि ये दिखाइए या जो फीडबैक्स हैं वो कैसे फीडबैक्स हैं ये बताइए। देखिए, मन की बात में एक थॉट प्रोसेस है कि हम सोसाइटल स्केल पे बिहेवियरल चेंज, बदलाव कैसे लाएं, और तो जितने भी टॉपिक्स चुने जाते हैं किस तरह के लोगों को फीचर करना है वो जो डिसीशन है, और फिर इन आइडियाज़ को कैसे डिस्टिल करके बिल्कुल जो सबसे लोएस्ट सेगमेंट है वो भी उसको रिलेट कर सके, बिल्कुल लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर जो बोलते हैं, तो उसके लिए कबीरदास जी के दोहे को चुनना, कभी कभी रविदास जी के दोहे, कभी सुब्रमण्य भारती का जो पोएट्री है उसको, तो एक बहुत ही क्रिएटिव प्रोसेस है जो उनका यूनिक माइंडसेट का है। इसमें बाकी लोग बस इनपुट दे सकते हैं, बट इट इज़ फाइनली हिज, इट्स द आउटकम ऑफ हिज थॉट प्रोसेस। एंड जो आप पूछ रहे थे कि किस तरह के सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, तो ये तो क्योंकि साल में देर आर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, कभी अलग अलग त्यौहार हैं,
कहीं कुछ गर्मियां है तो एग्ज़ाम्स हैं, तो कॉन्टेक्चुअल रखना टॉपिक्स को, और फिर इन कल्चर के साथ जोड़ना, स्क्रिप्चर्स के साथ जोड़ना, पोएट्री के साथ जोड़ना, और जो चुनौतियां हैं देश के सामने फिर उनको कैसे ले आना, जैसे कोविड के समय नर्सेस के साथ बात की, ऑक्सीजन वाले जो टेक्नीशियंस हैं जो डिलीवरी कर रहे हैं उनके साथ बात की, तो इस तरह से ही इज वेरी क्रिएटिवली ही इज क्राफ्टेड इसका जो स्क्रिप्ट होता है। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए सर कि मन की बात में हम देखते हैं कि कई बार प्रधानमंत्री कुछ लोगों का जिक्र करते हैं, नाम लेते हैं उनका, उसके बाद के इम्पैक्ट को भी आप लोगों ने कभी पढ़ने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री ने एक शख्स, मतलब पूरी दुनिया के सामने प्रधानमंत्री एक व्यक्ति का नाम लेते हैं, किसी गांव किसी तहसील के व्यक्ति का, उसके जीवन में किस तरीके पे बदलाव आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री तो बहुत जिक्र करते हैं और जब प्रधानमंत्री अपने तरफ से संवाद कर रहे होते हैं तो ये बिल्कुल मालूम होता है कि प्रधानमंत्री को उस व्यक्ति के बारे में सारी चीज की जानकारी आ गई है, तो उसका भी इम्पैक्ट आप लोगों ने कभी स्टडी की? हाँ बिल्कुल, इसमें इनफैक्ट बुक का काफ़ी फोकस रहा है इस बात पर। इनफैक्ट जो बैक कवर है इसमें दो ऐसे औरतों का जिक्र है जी। एक है तोंग ब्राम विजय शांति, ये मणिपुर से है, शी इज़ अ यंग एग्री एंटरप्रेन्योर। अच्छा, तो इन्होंने जो लोटस स्टेम्स हैं उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए। अच्छा, कुछ टी लीव्स की तरह इसको, इसमें से टी बनाया, टी के प्रोडक्ट्स फ्रेग्रेंसेस, फिर इसमें से इसके फाइबर से कुछ टेक्सटाइल फैशन प्रोडक्ट्स बनाए। तो इस तरह का इनोवेशन को अगर जो प्रधानमंत्री पूरे देश के सामने मणिपुर के किसी गांव से लेकर कहानी रखते हैं तो इसका बिल्कुल इम्पैक्ट रहता है, बाकी लोग भी इस पर इंस्पायर होते हैं। इनफैक्ट विजय शांति के साथ उन्होंने बात भी की 100th एपिसोड में, और वो कहती हैं कि नॉट ओनली कि उनका खुद के प्रोडक्ट्स पॉपुलर हुए पर बाकी लड़कियां उससे प्रभावित हुई कि मुझे भी उनकी उनकी तरह बनना है, मुझे भी इस तरह का काम करना है, तो एक बहुत ही इंस्पायरिंग केस स्टडी बन जाता और सोसाइटी पर तो देखिए इम्पैक्ट है ही। और मुझे लगता है कि इस किताब में भी उस बात का जिक्र मिलेगा हमें कि किस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान हो गया, खादी को लेकर, मतलब कि आज के वक्त में तो भारत के खादी के डेनिम को अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रही हैं और वहां जींस बना रही हैं इससे, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का अपील इस मन की बात के जरिए जिस तरीके से एक आंदोलन के रूप में खड़ा हुआ तो वो भी एक केस स्टडी है। बिल्कुल, इसमें काफ़ी रिसर्च भी हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि बाहर दुनिया में इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है। करीब 400 के आसपास पीयर रिव्यूड एकेडमिक पेपर्स हैं मन की बात के अलग अलग डायमेंशन को लेके, आप सोच भी नहीं सकते हो। बिल्कुल सोशल इश्यूज को एक तरफ रखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स बनाने के लिए IIT कानपुर, IIIT हैदराबाद ने पूरा जो मन की बात का कॉर्पस है उसको उसका इस्तेमाल किया, क्योंकि ये हिंदी में बनता है, अंग्रेजी में बनता है और फिर करीब 40 अलग अलग भाषाओं में बनता है, तो ये एक ट्रेनिंग डेटा सेट बन गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स के लिए, तो वो एक स्टडी हो गया एक तरफ जी बिल्कुल टेक्नोलॉजी का। दूसरी अब सोशल एस्पेक्ट पे आते हैं तो अलग अलग स्टडीज हैं जिन्होंने इसका असर को देखा है, जैसे स्वच्छ भारत का जो मैसेजिंग है वो उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, ओपन डेफिकेशन उसका बिहेवियरल चेंज कैसे हुआ है, उत्तर प्रदेश के गांवों में जाकर के उस पर एक स्टडी है, उसका एक अच्छा रिसर्च पेपर है। इसी तरह जो आपने खादी की बात की तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वुमेन के जी, खादी को बढ़ावा देने की वजह से मन की बात में उनके जीवन पर क्या असर हुआ, किस तरह से देर यू नो लाइफ हैज चेंज, उनका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो किस तरह से इम्प्रूव हुआ, तो इस तरह के भी एकेडमिक स्टडीज़ है। और तीसरा डायमेंशन जो है जो मन की बात का जो अप्रोच है कि कैसे प्रधानमंत्री लोगों को परसुएट करते हैं, कैसे उनको मोटिवेट करते हैं कि बिहेवियरल चेंज किस तरह से ले आए, तो इस पर भी स्टडी हुआ है, व्हाट इज़ कॉल्ड मोटिवेशनल लैंग्वेज थियरी, तो अलग अलग इस तरह के एकेडमिक स्टडीज़ हो गए हैं इसमें। बिल्कुल, और अगर हम बात भी करें प्रधानमंत्री की तो वो हर मीडियम में उनकी चूँकि बातचीत की शैली जो है या अपनी बात रखने का तरीका जो है वो बहुत प्रभावशाली होता है और वो मुझे लगता है कि वो कनेक्ट भी करता है लोगों को। आम लोगों की बात की हमने कि किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा है और उसका स्टडी भी है, तकनीक पर ही उसके बराबर जोर रहता है प्रधानमंत्री का। मन की बात जैसे कार्यक्रम अगर हम देखें तो बहुत कम ऐसे देश हैं जहां देश के प्रधानमंत्री इस तरह के माध्यमों का इस्तेमाल भी करते हैं। बिल्कुल, इनफैक्ट ये विदाउट प्रेसिडेंट या पैरेलल है,
पूरे दुनिया में देखेंगे डेमोक्रेसीज में स्पेशली, तो आपको एक बस यूएसए का उदाहरण मिलता है जहाँ प्रेसिडेंशियल एक एड्रेस हुआ करता था रेडियो पे हर सैटरडे को जी। ये आई थिंक रूजवेल्ट के समय से शुरू हुआ था, पर नॉट एवरी प्रेसिडेंट है सस्टेनेड, बीच में रुक गया था फिर स्टार्ट हुआ। पर उसमें राजनीतिक चर्चा भी होती है, पार्टीजन इश्यूज भी आते हैं, पोलिटिकल इश्यूज भी आते हैं। मन की बात की ये खासियत है कि प्रधानमंत्री इनफैक्ट खुद बोलते हैं कि इसमें मैंने ही हैज एंश्योर्ड कि इसमें राजनीति नहीं है, इसमें कोई पार्टीजन इश्यूज ना है, इसको बिल्कुल उससे अलग रखा है। तो ये एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट है। बाकी आप डिक्टेटरशिप्स में जाते हैं तो वहां पे तो अलग अलग प्रोग्राम है, पर डेमोक्रेसीज में इस तरह का कोई भी कार्यक्रम नहीं है। और मतलब कि उस तरह का कार्यक्रम जिसका एक सोशल इम्पैक्ट पड़ा है और वो दिखाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है और इस राजनीति से बिल्कुल अलग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो सर अगर किताब के बारे में बात करें तो इस किताब को भी लिखने में आपको वक्त लगा होगा, सारी चीज़ों को कलेक्ट किया होगा आपने, किताब में आपके पसंदीदा हिस्से कौन से हैं? इसमें दो तीन है। एक जो मुझे बहुत ही इमोटिव लगा, जो सेंसिटिव चीज़ लगा, प्रधानमंत्री बड़े बड़े इश्यूज पे भी तो बात करते हैं, जैसे स्वच्छता बहुत ही बड़ा अभियान, पूरे देश का इम्पैक्ट है कृषि को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर, डिजिटल इंडिया, कैशलेस सोसाइटी, पर छोटे इश्यूज को भी उन्होंने मन की बात में लिया है। जैसे एक एपिसोड में वो बात करते हैं कि एक कोविड के लॉकडाउन के दौरान जब पहली बार फेस्टिवल सीजन आया था दशहरा दिवाली के समय पर, तो उन्होंने बहुत ही नाजुक बहुत ही सेंसिटिव बात कही कि जब आप फैमिलीज में परिवार में त्यौहार मनाते हो तो परिवार तक सीमित मत रखो, बाकी लोगों को भी जोड़ो, जो आपके घर में काम करते हैं उनको भी जोड़ो, जो दूध डिलीवर करते हैं, न्यूज़पेपर बॉय हो, जो प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, तो इसमें एक उनका जो पर्सनल लाइफ जर्नी रहा है वो एक तरह से इट इज कमिंग आउट, इट इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ देयर। ऐसे ही बहुत पहले की शुरू की एक एपिसोड है जहाँ समवन रोट टू हिम कि सोसाइटी में एक बहुत ही आदत है मिडिल क्लास में स्पेशली कि हम बार्गेनिंग बहुत करते हैं, मार्केट में जाते हैं तो इस पर आपको कुछ बोलना चाहिए। तो देर ऑल्सो ही टॉक्स की ये जो आदत है बार्गेनिंग की, हैकल करने की, ठीक है आपको अच्छा लगता होगा, पर आपको जो छोटे वेंडर है उसके जरिए से भी सोचना होगा कि उसको क्या लगता है, उसका दिल किस तरह से अफेक्ट होता है। तो इसमें भी अगेन यू सी दैट हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, इमोशन और वो सब कुछ है इसमें मौजूद, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे मुझे। अच्छा, और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है प्रधानमंत्री के साथ काम करने का? बहुत सख्त मिजाज के हैं, कैसे हैं? देखिए, ही इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल लीडर, एंड जब मैं लीडर की बात करता हूँ तो एक तो जो जनरल पब्लिक में परसेप्शन होता है, भाषण देना, बहुत ही मोटिवेटिंग रहना, बहुत ही डिसिप्लिन रहना वगैरह, बट जो सबसे ज़रूरी ट्रेट है लीडर का, इनफैक्ट मन की बात इज एन आउटकम ऑफ दैट, कि ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर, और कभी घंटों तक वो आपकी बात को सुन सकते हैं, इतना फोकस देके, इतना टेंशन देके, और इससे क्या होता है कि ही इज़ अब्जॉर्बिंग आइडियाज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज एंड ही इज़ एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, बिकॉज दैट इज़ आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट ऑफ अ लीडर, कि बिकॉज लीडर इज़ नॉट द एक्सपर्ट और द स्पेशलिस्ट इन एवरीथिंग, बट अगर वो ही इज़ एबल टू लुक एट अ वाइड रेंज ऑफ subjects and connect, make connections while listening. I think वो बहुत ही unique trait है इनमें. That is what I've seen over the years. अच्छा, तो मैं आपके academic skills पर आऊँगा, उससे पहले एक और सवाल जो मेरे मन में है, चूँकि democratic देश है और देश का मिजाज बहुत राजनीतिक है, तो इस प्रेशर से भी तो गुजरना पड़ता होगा ना कि कुछ ऐसा ना हो जाए उसमें कि ओपोजिशन हंगामा कर दे। प्रधानमंत्री कभी जिक्र करते हैं क्या कि मतलब कि इन सब चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए कि इसमें किसी तरीके की राजनीति को मतलब राजनीतिक लाभ लेने की कोई कोशिश ना करे उससे? हाँ, वो एस्पेक्ट भी है, पर देखिए मन की बात को ही एज वेरी delicately but very diplomatically he has used it for reaching out to the public. दो ऐसे occasions हैं, इनफैक्ट तीन, आई थिंक वी कैन काउंट थ्री occasions, क्योंकि लोग opposition का generally ये complain रहता है कि जो लोगों के issues हैं वो आप discuss नहीं कर रहे, और वो भी it's not true. First occasion is जब land acquisition bill ordinance की पे चर्चा थी, तो मन की बात पे he put the facts कि इस पे ये
गलत इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, इस तरह के अफवाहें फैलाई जा रही है। सच ये है कि इसका क्या लाभ होगा, इस पर ये देश को किस तरह से ये इम्पैक्ट करेगा। तो एक तरह से मन की बात बिकेम अ प्लेटफॉर्म फॉर कंसल्टेशन फॉर द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, दैट इज द फर्स्ट लोकेशन। फिर दूसरी बार जब फार्म बिल्स को लेकर चर्चा हुई, सिमिलर डिबेट था, तो अगेन मन की बात बिकेम अ वे इन विच ही रीच्ड आउट टू द फार्मिंग कम्युनिटी एज अ पार्ट ऑफ द कंसल्टेटिव प्रोसेस की इस इन बिल्स में एक्चुअली क्या है, क्या प्रोविजंस हैं, किस तरह से हम कृषि को लिबरलाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम ये जो APMC का जो स्ट्रैंगल होल्ड है उससे फार्मर को, हम मिडलमैन को हटा के डायरेक्टली इनको वो फ्रीडम देते हैं कि ये कहीं भी बेच सकते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं कम आउट इन मन की बात वेयर पीपल, सो इट इज नॉट दैट ही इज नॉट डिस्कस द इश्यूज दैट आर, जस्ट दैट वो उसमें तूतू में मैं नहीं पार्टिजन वो अलग में, तो वो बहुत। तीसरा जो ओकेशन है जब पुलवामा अटैक हुआ, तो आप देखेंगे उसमें पहली बार, क्योंकि जनरली मन की बात का जो इमोशनल एटमोसफेयर है वो जनरली पॉजिटिव रहता है, पर उस ओकेशन पे यू सी की एंगर भी आया मन की बात के, बिकॉज देश में वो एक तरह का बहुत गुस्सा था, और वो मतलब बतौर मुखिया जाहिर तौर पर उनका भी गुस्सा झलक रहा था वो उसमें। तो यकीन अब आपके बारे में सर हम बात करते हैं, आपकी एकेडमिक्स को लेकर कि एक अच्छा बहुत इनडेप्थ आपके पास एकेडमिक स्किल्स रहे, आप टेक से भी हैं, आपकी शुरुआत कैसे रही है? देखिए मैं IIT बॉम्बे में पढ़ा था केमिकल इंजीनियरिंग, फिर केमिकल इंजीनियरिंग से मैं जब निकला था IIT बॉम्बे से दिल्ली आया था, तो पहले शुरू में इंजीनियर्स इंडिया जो यहाँ बिकाजी का वहाँ पे उनका ऑफिस है, तो वहाँ पे मेरी पहली नौकरी थी जी। तो ये उस समय का है, 95-96 के कार्यकाल का काल का है, तब देश में इंटरनेट नया नया आया था, तो उस समय मेरा फोकस केमिकल इंजीनियरिंग से हटकर डिजिटल और जो इंटरनेट के नए चीज़ें जो हो रही थी टेक्नोलॉजी उस पर शिफ्ट हो गया था। फिर उसके बाद मैं इन्फोसिस में काफ़ी साल रहा, देश के बाहर भी रहा करीब 10-15 साल, उसके बाद फिर मैं इंडिया लौट आया। फिर 2014 के चुनाव में जो डिजिटल एंगेजमेंट था मिशन 272 का, तो उस पर भाग लिया, फिर ऑफकोर्स प्रसार भारती के बोर्ड में था, फिर CEO। सर तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमने देखा है ये कि 2014 के पहले तक का इंटरनेट काल और 2014 के बाद का इंटरनेट काल, और किस तरीके से आज के दौर में डिजिटल तो देखिए क्रांति है, उसका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इंडिया का डायरेक्शन कैसा देखते हैं? देखिए काफ़ी जो डिजिटल लैंडस्केप है वो कई फेजेस से इवॉल्व हो गया है। शुरू में वेबसाइट्स बने थे, .com का काफ़ी पॉपुलैरिटी चल रहा था, फिर इनोवेशन सोशल मीडिया का आ गया, ट्विटर फेसबुक लोग सोशल मीडिया पे आने लगे, फिर यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म की तरह उभरा है, लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो कंजम्पशन, फिर आईफोन आया तो सारा माहौल बदल गया, सब ऐप्स के तरफ चले गए, सारा कंटेंट कंजम्पशन मोबाइल पे आ गया। अभी आप एनालिटिक्स खोल के देखेंगे 80% मोबाइल पे होगा, 10% शायद बिल्कुल डेस्कटॉप पे होगा या कनेक्टेड टीवी पे होगा। तो एक तरह से लोगों का जो बिहेवियरल चेंज है वो ड्रामेटिकली बदल गया। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये तो एक्सपोनेंशियली बदलने वाला है, क्योंकि अब कंटेंट इज नॉट नेसेसरली क्रिएटेड बाय यू एंड मी, एल्गोरिथम कंटेंट को जनरेट कर सकता है। तो जो जिस तरह से डिजिटल मीडिया कंज्यूम होने वाला है इसमें काफ़ी बदलाव है, और नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, जैसे एक नया टेक्नोलॉजी जो अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है दिल्ली में, इट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट टू मोबाइल ब्रॉडकास्टिंग। इससे सीधा आपके फ़ोन पे ब्रॉडकास्ट सिग्नल्स पहुंच सकते हैं, तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको इंटरनेट स्ट्रीमिंग के द्वारा कंटेंट को कंज्यूम करने हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे IPL मैच हो, आप इंटरनेट पे फिर बफर होते आएगा, उसका क्वालिटी का कोई गारंटी नहीं है, वही कंटेंट अगर आप ब्रॉडकास्ट सिग्नल से अपने मोबाइल पे देख सक पाओगे तो एक तो मोबाइल का बिल बच जाएगा, डेटा कंजम्पशन नहीं हो रहा, दूसरा जो क्वालिटी है ऑफ एक्सपीरियंस दैट कैन बी वेरी बिल्कुल बहुत एनरिच होगा। तो इस तरह के नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, डायरेक्ट मोबाइल हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, तो मुझे लगता है अगले 5 साल में मीडिया का जो लैंडस्केप है और बदलने वाला है पक्का, और पर्सनलाइज्ड और कस्टमाइज्ड तो होने वाला ही है।
सर एक चीज पर मैं बात करना चाहूंगा कि 272 प्लस का जो मिशन का वो बना था आपके नेतृत्व में, उसको वो आइडिया कहाँ से आया, मकसद क्या रहा उसका, और क्या वो जिस गोल के साथ उसको सेट किया गया था वो पूरा भी हुआ? बिल्कुल, उसका जो सोच है वो बिल्कुल आई थिंक अगेन द क्रिएटिव जीनियस ऑफ मोदी जी, कि उसका जो फ्रेमिंग है कि जब तक गोल क्लियर ना हो जी, बाकी एवरीथिंग एल्स उसकी तरफ अलाइनमेंट नहीं होगा। तो आपको याद होगा जब हमने एक पोर्टल क्रिएट किया था तब उस समय में मिशन 272 के लिए, इंडिया 272, उसका जो लोगो था वो लोगो था जो जिस तरह से हम ग्राफिक्स दिखाते हैं कि सीटों का सीटों वाली ताकि लोगों के दिमाग में ये बैठ जाए कि ये गोल है, ये टारगेट है, इसको अचीव करना है। और देखिए ended up with more than 272 seats, तो बिल्कुल वो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है मिशन का, तो वो फ्रेमिंग था उस समय। और मुझे लगता है उसके बाद से मैंने देखा है कि दैट हैज बिकम अ नॉर्म, और भी लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन फर्स्ट हैंड जो है एडवांसमेंट, और यही कारण है कि कोई और जो है उस तकनीक को अडॉप्ट करता है तब तक सरकार के पास कोई और एक नई एडवांस तकनीक या पार्टी के पास एक और नई तकनीक जो है वो आ जाती है। बिल्कुल। तो आखिर में हम फिर किताब पर ही लौटेंगे शशि जी, इस किताब को आपने लिखा, इसकी चर्चा भी बहुत खूब है, भारत के विदेश मंत्री ने भी अभी ट्वीट करके जानकारी दी देश को कि वो आजकल इस किताब को पढ़ रहे हैं और किस तरीके का इंडक्ट, आपको कैसे फीडबैक्स आ रहे हैं किताब को लेकर? ये बहुत इंटरेस्टिंग फीडबैक्स आ रहे हैं। एक तो ऑफकोर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, उनका जो रिएक्शन है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जयशंकर जी ने इस पर ना तो नॉट जस्ट फॉरवर्ड लिखा है, उन्होंने काफ़ी इस पर इलैबोरेट किया सोशल मीडिया पे वीडियो के द्वारा, तो काफ़ी इसमें ग्लोबली लोगों ने इसको नोटिस किया है। दूसरा इंटरेस्टिंग डिमेंशन ये है कि जो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि इसमें नॉट ओनली मन की बात की चर्चा है बट किस तरह के एस्पेक्ट्स को प्रधानमंत्री ने हाईलाइट किया, हिस्ट्री से लेके वेरियस बॉडीज ऑफ लिटरेचर से लेके डेवलपमेंटल जो चैलेंजेस हैं उसको लेके, तो एक तरह से अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो और आपको पब्लिक सर्विस में आना है, पब्लिक डोमेन में कंट्रीब्यूट करना है, तो मुझे लगता है मन की बात इज़ अ वेरी मैंडेटरी थिंग, क्योंकि उस इसका जो स्पिरिट है ऑफ कलेक्टिवनेस, जैसे कॉन्क्रीट आउटकम्स आए, सोसाइटल लेवल बदलाव आए, डेवलपमेंटल गोल्स अचीव हो, जैसे वो अभी बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने जो सर्वे निकाला था, हाँ, बिल्कुल, कि सारे जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन सभी पे मन की बात हैज इम्पैक्ट। तो एक तरह से स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, मुझे लगता है ये एक मैंडेटरी रीडिंग है, बिकॉज इट कन्वेज द स्पिरिट ऑफ द डेवलपमेंटल चेंज दैट प्रधानमंत्री चाहते हैं देश में। बिल्कुल। तो सर हम इसी नोट पर इस बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे, और शशि शेखर जी की ये किताब है कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन, और जैसा कि उन्होंने बताया कि आपको क्या कुछ मिलेगा, और इस पूरी बातचीत के दौरान भी मैंने इनसे यही लगातार समझने की कोशिश की कि इस किताब में क्या क्या आपको पढ़ने को मिल सकता है। बहुत कुछ इनसाइड ऐसी बातें हैं जो सिर्फ आप देखते हैं, मालूम नहीं होता है, जब आप अंदर इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितना ये जो इसका इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट को क्रिएट करने के पीछे कितने जीनियस माइंड्स लगे हुए होते हैं, कितने लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं, और वो प्रधानमंत्री के विजन को किस तरीके से जमीन पर उतार कर साक्षात किया जा रहा है, और उसका असर क्या हो रहा है, उसका ये एक दस्तावेज है। तो एक बार फिर शशि जी आपको बहुत सारी बधाई आपकी किताब के लिए, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।